देश में आज सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया और हरियाणा में कुल 63 लाख लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर और सफाई कर्मचारियों को दी जा रही है। इसी के चलते सूबे के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज कोरोना वैक्सीनेशन शुरुआत के बाद नागरिक अस्पताल पहुँचे और विज ने खुद अपनी देखरेख में टीकाकरण की शुरुआत की। अनिल विज स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद ऑक्सीजन लगाकर नागरिक अस्पताल पहुँचे थे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि दो वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आज भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हिंदुस्तान में बहुत ही शुभ दिन है। लगभग एक साल से कोरोना के खिलाफ देश में लड़ाई लड़ी जा रही है। बिना किसी प्रोटेक्शन के और इस साल के दौरान कोरोना वॉरियर्स ने, डॉक्टर्स ने, म्युनिसिपल स्टाफ ने, पुलिस ने, अन्य लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इसके लिए लड़ाई लड़ी है और बहुत दिनों से ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई वैक्सीन आए जो लोगों में प्रोटेक्शन प्रदान करे। हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में ही निर्मित दो वैक्सीन्स कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली और आज प्रधानमंत्री जी ने विधिवत सारे देश में इसको लगाने का काम आरंभ किया। हरियाणा में भी हमें 2,41,500 डोजेस कोविशील्ड की मिली हैं और 20,000 डोजेस कोवैक्सीन की मिली हैं, यानी 2,61,000 डोजेस हमारे पास हैं। लगभग 1,30,000 लोगों को हम इंजेक्शन लगाएंगे, जिसमें हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, इनको पहले लगाई जाएगी। कुल 63 लाख लोगों को हमने लगानी है, जिसमें 50 साल से ऊपर की आयु के लोगों को भी लगाई जाएगी और 50 साल से नीचे जिनमें अन्य गंभीर बीमारियां हैं उनको भी बाद में लगाई जाएगी। आज हरियाणा में भी ये कार्यक्रम चालू हुआ है। हर सेंटर पर 100 लोगों को आज लगाई जाएगी और उसके बाद लगातार ये काम चलता रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई देते हुए ये बताया कि हरियाणा को 2,61,000 कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिली है और सेना में भी इसका काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और पुलिस वालों को टीका लगाए जाएंगे और आज प्रदेश के हर सेंटर पर 100 लोगों को ये टीका लगाया जा रहा है। इसके बाद ये टीका अभियान लगातार चलता रहेगा, यानी कि प्रदेश में कुल 63 लाख लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। विज ने कहा कि इसके बाद अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी जांच के बाद ये टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान विज के साथ सिविल सर्जन सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।